देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं बची है। कानून का राज्य नहीं बचा है। कानून द्वारा कानून का राज्य नहीं हो रहा है। जिस तरह से कानपुर शहर के एक व्यापारी को उसकी हत्या कर दी जाती है और इस बर्बरता से की जाती है, और उसके बाद सिर्फ उसको कुछ रुपए दे करके और ये कहते हुए उनकी फैमिली को कि हम नौकरी दे देंगे, क्या उससे वो व्यक्ति वापस आ जाएगा? और ये तो एक मामला है, कितने सैकड़ों मामले ऐसे हो रहे हैं जहां पर कि रोज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, दुराचार, कानून ध्वस्त है, बेरोजगार जो है बसपा की ओर निहार रहा है। बेरोजगारों को लेकर के क्या कुछ? देखिए, बेरोजगारों के बारे में आपने सुना होगा कि हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने 9 तारीख को, अभी 9 अक्टूबर को जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, भाषण दिया था, तो श्रद्धांजलि देते समय उन्होंने जो बात कही थी, तो उन्होंने उसमें खास तौर से जो नौजवान बेरोजगार हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हमारी प्राथमिकता ये होगी कि हम इस बेरोजगारी को दूर करें। और ये बेरोजगारी दूर करना कोई समस्या की बात नहीं, अगर चाह है, अगर आपकी इच्छा है तो आप बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर नौकरियाँ मिल रही, अगर आप उन सबको ख़त्म कर देंगे, ठेके में डाल देंगे और उनको ठेकेदारी में दे करके आप समाप्त करने काम करेंगे, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो पूरा देश देखेगा कि उत्तर प्रदेश में एक मिसाल के रूप में बनेगा कि कैसे बेरोजगारी दूर की। कोरोना को लेकर के आज सरकार ने फैसला किया है, कोरोना को लेकर के सरकार ने फैसला किया, 50,000 रुपए देने की बात कही। आपने कोरोना को लेकर के सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। देखिए, कोरोना के दौरान में आपने देखा कि इतना बेहाल बदहाल कहीं नहीं हो सकता। पूरे देश को, आप पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश ने बदनामी करने का काम किया। जिस तरीके से अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन ना होने की वजह से दम तोड़ रहे थे, अस्पतालों में बेड नहीं मिले, सड़कों में डाल दिए गए, जिस तरीके से मरने के बाद लोगों के कोरोना से, और उनको लकड़ी नहीं मिली कि उनका दाह संस्कार हो सके, और उनको गंगा नदी में डाल दिया गया और बहा दिया गया ऐसे ही, और बालुओं में दबा दिया गया, जानवर उनको खाने का काम कर रहे थे, ये दर्दनाक जो मंजर था वो आप लोगों ने दिखाने का काम किया था। तो मीडिया के ऊपर भी नाराज़ हो गई थी सरकार कि आप ये ऐसा क्यों दिखा रहे हो, कि आप ऐसी सत्य चीज़ क्यों दिखाने का काम कर रहे हो। तो लेकिन कोरोना में जितनी भी बद इंतज़ामी थी वो एक बहुत ही ऐसी मिसाल बनी है जिसकी वजह से सैकड़ों जाने गई। और ये रुपए देने की जो बात कर रहे हैं, वो तो सर्वोच्च न्यायालय कहती है जब रुपए दो, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इनको देना चाहिए आपको, तो वो उसमें पात्रता बनाने लगे हैं, कौन पात्र है कौन अपात्र है। देखा आपने किस तरह से अध्यापक